इजी लाइफ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तिल और लहसुन की एक बहुत ही लाजवाब चटनी। इस चटनी को आप दो वेरिएशंस में खा सकते हैं, या तो सूखी खाइए या हल्की सी लिक्विडी। तो समय ना गवाते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी तिल, मैंने नॉर्मल ब्राउन तिल यूज़ किया है, 1/4 कटोरी लहसुन की छिली हुई कलियाँ, 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार नमक। सबसे पहले एक पैन को आंच पर चढ़ाएंगे और उसमें तिल को सेकेंगे। तिल को चलाते हुए कुछ इस तरह से मीडियम फ्लेम पर सेकिए जब तक कि ये पॉपअप ना होने लगे या स्पटर ना करने लगे। देखिए तिल कुछ इस तरह से पैन में नाचने लगेगी और अपना कलर भी चेंज करने लगेगी। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए, यानी इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाए, तो इसे आंच से उतार कर एक प्लेट पर निकाल लीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। हमारी तिल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। मैंने लिया है मिक्सी का जार, जिसमें कि मैं ये तिल डाल देती हूँ। साथ ही डाल देती हूँ लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्च का पाउडर। मुझे तीखा पसंद है ज़्यादा, इसीलिए मैं इस चटनी में करीब 2.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आप अगर कम तीखा खाते हैं तो थोड़ा कम डालिए। अब इस जार को बंद करके मिक्सी में 4 से 5 सेकेंड ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए 4 सेकेंड ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से हमें चटनी मिलती है। अभी भी ये बनी नहीं है, इसे अब इसे चम्मच से अच्छी तरह से चला दीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, फिर से ढक्कन बंद करके कुछ सेकंड पीसिए। ऐसा आप 2 से 3 बार करें। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि लहसुन की कलियां तिल के दानों से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, जिससे कि हमारी चटनी एक सार बने और अच्छे से पिसे। देखिए अब ये तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए होता है। इसमें कुछ तिल के दाने आपको साबुत दिखेंगे और बाकी के पिसे हुए रहेंगे। ऐसा अच्छा लगता है, खाने में एक क्रंच आता है। अब मैं इस चटनी को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। ये चटनी में नमक थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगता है, तो फिर भी आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाइए। अच्छी तरह से इसे मिलाइए, जिससे कि हमें इसका एक भुरभुरा सा टेक्सचर मिल जाए। कोई भी लम्प नहीं इसमें रहना चाहिए। अच्छे तरह से मिला दीजिए। अब इस चटनी को ऐसे ही 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखे रहने दीजिए। कारण ये है कि उससे लहसुन डालने से जो मसाले में चिपचिपापन आ जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, और 10 मिनट के बाद ही इसे डब्बे में डालिए, जिससे कि उसका भुरभुरापन या पाउडर फॉर्म बरकरार रहेगा। दोस्तों इस चटनी को आप ऐसे सूखा भी खा सकते हैं, या आपको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में खाने का मन हो तो थोड़ा 1 चम्मच चटनी लीजिए और उसमें आधा से 1 चम्मच एडिबल ऑयल मिलाइए और इस चटनी को उसके साथ खाइए। स्वाद कुछ और ही आएगा। आप इस चटनी को करीब 1 से 2 महीने डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। ये चटनी कई डिशेस के साथ खाई जा सकती है, जैसे कि वड़ा पाव, दाबेली, पकौड़ा, पिज्ज़ा की टॉपिंग्स पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरी परांठों के साथ ये बहुत ही अच्छी जाती है। तेल के साथ मिक्स करके रोटी में स्प्रेड करके इसे रोल बना के खाइए, बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा। सफ़र के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। पूरी या परांठे बना लीजिए और इस चटनी को रख लीजिए। सफ़र आपका बहुत आसानी से कटेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक देना ना भूलें, और ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए मेरे नए वीडियोस के अपडेट के लिए। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।